नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। मुझे समझ नहीं आता ये कौन सी बेवकूफी है कि पढ़ने लिखने के बावजूद हमारी महिलाएं उनके चंगुलों में फंस जाती हैं। ये कौन सी समस्या है जो हमारी महिलाओं के दिमाग में भर दी गई है कि इतना समझाने के बावजूद, इतने केसेस देखने के बावजूद लड़कियों के, कि वो किस तरीके से फ्रिज में या फिर किसी ना किसी संदूक में बंद की जाती हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद, इतने हादसे देखने के बाद भी उनको समझ नहीं आता कि वो किस गर्त की ओर बढ़ रही हैं। उन्हें फिर भी अपना अब्दुल वैसा ही लगता है जैसा वो सोचती हैं। उन्हें नहीं लगता कि अब्दुल सेम है, उन्हें लगता है हमारा अब्दुल तो अलग ही होगा। हालांकि ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें लड़कियां कन्वर्ट होके उनके साथ जा चुकी हैं, उनकी तरह से हर तरीके से उनके इस्लाम को कबूल कर चुकी हैं, हर तरीके से उनके कहे अनुसार ही अपना वेशभूषा बदल चुकी हैं, उनके जो पांच नमाजी जो सिस्टम जो होता है वो भी अपना चुकी हैं, उनके बच्चों को पैदा करती हैं, हर तरीके से कर चुकी हैं। जो लड़कियां कन्वर्ट हो चुकी हैं उनके साथ भी गलत हो रहा है। एक ऐसी ही घटना हमारे सामने आई है जिसमें एक लड़की सामने आती है, वो किसी एक टाइम में जाके पहले कन्वर्ट हुई थी, उसने शादी की, शादी करने के कुछ ही समय के बाद उसके बच्चे भी हुए और कुछ ही समय के बाद उसके पति ने उसे छोड़ दिया, और छोड़ा भी इस तरीके से कि किसी बहाने से उसको तलाक दे दिया। तीन तलाक जिसको ये कहते हैं मेन तौर पे, उस तीन तलाक से उसको तलाक दे दिया, और रीजन ये बताया कि मुझे एक 15-16 साल की लड़की चाहिए जिसके साथ मैं रह सकूं, जिसके साथ मैं अपनी मौज मस्ती कर सकूं, और उसके साथ वो भाग गया। ये कहकर कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं, उसके साथ वो भाग गया। अब वो लड़की अकेली है, वो आती है उसके साथ पुलिस थाने में और जाके अपनी बात रखती है। फिर जो जर्नलिस्ट होते हैं वो उनसे पूछते हैं भी क्या कारण था, क्या ऐसी कारण रहा कि आपके पति ने आपको छोड़ दिया, तो पूरी अपनी कहानी बताती है और कहती है तीन तलाक दे दी मुझे, दूसरी लड़की लेके भाग गए, कहने लगे मुझे तेरी जरूरत नहीं है, कि मेरे पति ने मुझे तीन तलाक तो दिया ही दिया, साथ के साथ मुझे ये भी कहा कि मुझे एक 15-16 साल की लड़की अब चाहिए, मेरा तुम्हारे से पेट भर चुका है, मेरा तुम्हारे से मन अब भर चुका है, मैं उब चुका हूं। उसने ये भी कहा कि मेरा जो ससुर है और देवर है मेरे कपड़े फाड़ते हैं। उसने ये भी कहा कि मेरा जो देवर है मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें करता है। ये सारी रियलिटी वो महिला बता रही है। इस महिला ने ये भी बताया कि मेरा जो शौहर है वो अपने घर के अंदर गंडासा और बंदूक रखता है। उसने कहा कि जब एक बार मैंने उसका वो गंडासा देखा तो मैंने उसे तोड़ने की और उसे दफनाने की कोशिश की, यानी कि मिट्टी में दबाने की कोशिश की, तो उसने उसी गंडासे को मेरे पैर पर मारा और इसके कारण मेरा पैर कहीं ना कहीं से उस पर कट का निशान पड़ गया, या ये कहें कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर चोट आ गई। कहती आप चोट देख सकती हैं कि मेरे पैर पे अभी भी चोट है पड़ी। वो कहती है कि जब मैंने उससे ये पूछा कि तुम ये चीजें, ये हथियार घर में क्यों रखते हो, तो उसने कहा कि जब हिंदू मुस्लिम कहीं ना कहीं विवाद होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, तब ये काम आएगा मुझे काफिरों को मारने में। ये शब्द उसने कहे हैं। आप सोच सकते हैं इसका मतलब क्या है कि हर घर में ये चीज पहुंच चुकी है, उनके घर में हथियार हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि किसी दिन ऐसा होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि वो ऐसा करेंगे और वो उस चीज की तलाश में है, उस चीज की वेट में है, जिस दिन ऐसा होगा तो वो काफिरों यानी कि हम लोगों को मारेंगे। ये उसके शब्द हैं। वो घर में बैठी उस लड़की से वो शब्द कह रहा है जो कि उसकी बीवी है। कितनी हैरानी की बात है कि इस तरह की सोच हर घर में उनके पनप रही है, इस तरह की सोच वो लेकर घर में बैठे हैं। यदि इस तरह की वीडियो या इस तरह की बातों को देखने के बावजूद हम लोग सोए हुए हैं, या हम लोग अपने शत्रु बोध नहीं कर रहे हैं, अपने आसपास उनको रहने दे रहे हैं, उनकी इन हरकतों के बावजूद हम कोई एक्शन नहीं लेते हैं, लीगल एक्शन की बात कर रही हूं, तो हम कहीं ना कहीं बेवकूफ हैं। हम अपना एंड खुद तैयार कर रहे हैं, हम अपना समापन खुद तैयार कर रहे हैं। बहुत जरूरी है हमें जागना, अपना शत्रु बोध होना आवश्यक है। ये शत्रुबोध हमारे राजा महाराजाओं को भी था, ये शत्रुबोध हमारे उस वक्त के वीरों को भी था, इसीलिए इतनी जो हजारों सालों से लड़ाइयां हमारे देश में चली हैं वो इसी कारण चली हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आज भी अगर हिंदू हैं तो हमारे उन वीरों योद्धाओं की वजह से जिन्होंने अपने सर वहां नहीं झुकाए। हमारे देश में जितने भी कन्वर्टेड लोग हैं
उनके पूर्वजों ने कहीं ना कहीं सर झुकाए हैं, इसीलिए वो कन्वर्टेड हैं। इस बात का हम सबको पता होना चाहिए। हमारा शत्रु आज भी जीवित है, हमारा शत्रु बोध हमें नहीं पता है, इसलिए वो आज भी हमें मारने काटने की सोचता है, अपने घर में इस तरह के हथियार रखता है। आप सबका क्या कहना है इस बारे में, कृपया करके अपने कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।